गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे सिक्स क्लास का भूगोल का लेसन सेवन, हमारा देश भारत। उपमहाद्वीप प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊँचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन बनता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊँचे ऊँचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई है, 135 करोड़ की करीब हो गई है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। अब स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देश के मध्य भाग में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 2 5 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। इस यामूत्र को भारत का मानक समय यामूत्र भी कहा जाता है। अब है भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएँ इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। कौन कौन से 7 देश हैं वो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार। ठीक है, ये 7 देश हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, अभी देखो पूरब इधर है, पूरब ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किस पर है? पूर्व में, और पश्चिम में है अरब सागर, और दक्षिण में है, ये दक्षिण भाग है दक्षिण, और उत्तर में आ जाता है ऊपर हिमालय। ये जो है ये कौन सा भाग है? उत्तर। ठीक है, तो ये कौन सा है? नीचे हिंद महासागर, साइड में इसके लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप अरब सागर में, और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसी तरह से भारत के पड़ोस देश राज्य हैं। भारत के में कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, ये अपने आप अपने उसमें भरना, मैप में भरना, और इस मैप को भरकर अपनी कॉपी में चिपकाना। ठीक है, इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जलसंधि कौन सी है? पाक जलसंधि अभी यहाँ पर देखा था, ये जो यहाँ पर लाइन है श्रीलंका और भारत के बीच छोटी सी, ये कौन सी है? पाक जलसंधि है ना, बीच में लाइन, भाई ये भारत का देश भारत है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये कौन सी है? पाक जलसंधि। राजनीतिक के प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों, 28 है 29 नहीं है, 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है।
दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ये देखो जलोढ़ निक्षेप, क्या होते हैं जलोढ़ निक्षेप? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन से निक्षेपित कर दी जाती है, उसे कहते हैं जलोढ़। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, बहा देती है, उसे कहते हैं सहायक नदी। अगला है भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं तट है और कहीं द्वीप समूह हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संधरी का कार्य करता है। हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। हिमालय जमा आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। अब तीन कौन सी श्रृंखला है? वो वृत्त हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। पांच पहाड़ी स्थानों के नामों का पता लगा है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि उपजाऊ करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। सॉरी, ये उत्तरी आएगा, दक्षिण में नहीं है, हिमालय के दक्षिण में। हिमालय पर्वत ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। पश्चिम में राजस्थान में भारतीय महामरुस्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित हैं। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्यम, सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या हिमाद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे अयस्क की प्रचुरता है, मीन्स अधिकता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, मीन्स चुकड़े हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, आगे हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करेंगे। ये देखिए, मैं आपको मैप दिखाती हूँ। देखिए, प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि उन कंकालों के उत्तर ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैप। ये सब ये है, जैसे तापी नदी है, नर्मदा नदी कहाँ बंगाली खाड़ी में गिर रही है, इधर ये महानदी है, गंगा है, ये सब कहाँ गिर रही हैं, उससे इधर गिरती हैं। ठीक है, ये देखो सतपुड़ा श्रेणी, भारतीय महामरुस्थल, अरावली श्रेणी राजस्थान में है, विंध्य श्रेणी, ठीक है, तो फिर सतपुड़ा श्रेणी, दक्कन का पठार, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इधर पूर्वी बंगाली खाड़ी की तरफ, इधर अरब सागर की तरफ है पश्चिमी घाट। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये करा दिया है। ऊपर है ये हिमालय पर्वत, हिमालय शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये जो शिवालिक, समझ में आया?
बाकी मैं इसे क्लास में कराऊंगी आपको, आज इतना ही कराऊंगी। इसके जो छोटे क्वेश्चन मैं आपको थोड़े थोड़े बताएँ वो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं।